और राइट सो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आज हम गेम नहीं खेलने वाले, आज हम चैलेंज करने वाले। हाँ पता है मैं बहुत लेट हो गया इस चैलेंज में, तो कोई बात नहीं। तो आज हम चैलेंज करने वाले तो आज हम चैलेंज करने वाले गीज द यूट्यूबर देयर वॉइस। आप वॉइस में क्यों? क्योंकि मैं तो फेस कैम करता नहीं, आप भी मुझे मेरे वॉइस से ही देखते हैं ना। कोई सेंस है इस बात की? मुझे पता है इसका कोई सेंस नहीं, लेकिन ठीक है। तो बिग शाउट आउट टू म्यूजिकल रिडल्स, भाई के चैनल को सपोर्ट करो, पहले पहले वो करो फिर भाई के चैनल को करना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। रुको, उससे पहले ये चैलेंज आपको मेरे साथ करना होगा, तो आप कितने सही करते हैं और मैं कितना सही करता हूँ तो देखते हैं हम वीडियो के एंड, ठीक है? स्टार्ट। ये भाई सबको पता है कौन, आपको पता है आप कमेंट करना, तो ये तो ऑब्वियसली अजय नगर एनी 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 कैरी मिनाटी, ठीक है? देखते हैं। फर्स्ट तो सही है, यस पहला तो करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट। मतलब दोस्तों हम सभी यार इंतजार कर रहे हैं बड़ी ये भी पता है यार, किसको नहीं पता होगा यार, ये हमारे टेक्निकल गुरुजी सर। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ज्यादा एकदम ऐसे हो रहा है एक्साइटमेंट के साथ कि कब आएगा इंडिया में आखिर 5G, और कब आएगा 5G? गौरव चौधरी सर, ठीक है नेक्स्ट। यार इजी है यार बहुत। कैसे हो? ठीक हो? उदास लगते हो? रुको रुको रुको, ये भुवन बाम का है लेकिन उनमें से वो बबलू जी, हाँ ये बबलू जी का वॉइस है। बस हंस के टाल देते हैं, अरे हम मर्द हैं, ऐसे सवालों को मजाक में उछाल देते हैं। बबलू जी भुवन बाम ठीक है, नाइस। फोर्थ में तीनों से सही आ गए भाई, लेजेंड एक्टर यार, मेरे वन ऑफ द फेवरेट आशीष चंचलानी सर, ठीक है? शादी समझ गए भाई, पहले हमारी जिंदगी में कम शादियां नहीं हो रही थी, दोनों भी शादी कर रहे हैं अभी हमको रिमाइंड करवाने के लिए कि हम सिंगल है, और ठीक है ना भाई शादी ही कर रहे हैं ना, दूसरे की शादी में तुम क्यों जनरेटर पे नाच रहे हो? नाइस यार, इजी यार, बहुत टॉप दे दो यार प्लीज। तैने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, ऊपर से पुलिस की भर्ती और आने लग रही, तेरे चक्कर में तैयारी भी ना हो। रुको रुको, ए जरा सा गड़बड़े, ये आमिर बड़ाना की वॉइस लगती है, सच में आमिर बड़ाना ही हो सकते हैं। पहले मैं देखता था इनकी वीडियो, अभी अभी बहुत सी कम देखने लगा हूँ बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छे क्रिएटर है आई श्योर आमिर बड़ाना। अब अपना कमेंट करना, ठीक है? सोच रही होगी तेरे आगे पीछे डोलूंगा तजे मनाऊंगा, हरियाणा में ना बड़े बुड्ढे की बात कहे। हां अमित बड़ा ना दोगले यार थे, हमको पता था चोरी के प्यार थे। अगर आपको इंग्लिश की कनाउलेट गे नहीं है तो आप ना बोलिए, हिंदी बोलिए और गर्व करिए, वी शुड बी प्राउड कि यार हम हिंदी बोलते हैं। ए ए भी मुझे पता है कौन है, ठीक है? कौन है मुझे पता है, ये कौन है? एहन चन, सॉरी एहन शेमल, हाँ एक ए ट्रिगर इंसान, एक ए लाइव इंसान, नोनू और क्या छगन और कुछ, कौन सा नाम बताओ आपको? बस ठीक है, इंग्लिश का ये फायदा होता है कि उसकी वजह से आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, मतलब देयर इज दिस स्टार्ट कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको लव यू नहीं ज्यादा चांसेस है, लव यू ट्रू भाई। हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम भी पूरी दुनिया की तरह भेड़ बकरियों की तरह भागे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ होने वाला है, यानी आने वाला। यार ये मोटिवेशनल स्पीकर अपने संदीप महेश्वरी सर, आपको पता ही होगा यार भाई, दिल से रिस्पेक्ट, ठीक है? पर भाई 20 साल बाद कहीं पर है रुको भाई, कुछ डिप्लेंड यार ये सब बहुत अच्छे क्रिएटर है मुझे पता है, लेकिन मुझे पहचानने में जरा सी
तकलीफ हो, ऐसा कुछ तो यार। ऐसे ही पड़े हुए होंगे जिंदगी को काट रहे, या फिर उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं करता। इट कुड बी एनीथिंग, वो आपको देखते बता दूं अपनी, मेरे घर वाले कह करते भाई 12वीं कर ले, लाइफ सेट है। मैंने 12वीं कर ली, फिर कहते तू कॉलेज खत्म कर ले, लाइफ रुक। ए सच में मुश्किल है भाई, मुझे फिर से सुनना पड़ेगा ये। वो आपको बता दूं अपनी, मेरे घर वाले कह करते भाई 12वीं कर ले, लाइफ सेट है। मैंने 12वीं कर ली, फिर कहते तू कॉलेज खत्म कर ले, लाइफ पक्का सेट। भाई सच में यार, ये मुझे पता नहीं यार, कौन हो सकता है यार ये। गेस भी नहीं कर सकता मैं यार, ये नहीं आ रहा यार मुझे कौन है। कॉलेज भी खत्म कर, अवलेश यादव यार। हाँ भाई की वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखते इसलिए पता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक गलत हो गया मेरा। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:42 एंड गेमर फ्रीड भैया सुबह सुबह हमारे घर पे आ गए, बिकॉज आज हमको जाना है अपनी न्यू। रुको, कौन है गेमर फ्रीड भैया आ गए? वॉइस कहीं तो सुना है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देखता इनके वीडियो, तो इसलिए वॉइस गौरव जोन शायद से। कार की डिलीवरी लेने के लिए कुछ दिनों पहले। अरे सौरव जोशी व्लॉग्स यार, ठीक है ठीक है, मुझे ज़्यादा पता नहीं इनके बारे में, मैं देखता नहीं इनकी ज़्यादा वीडियो। अगर एक नॉर्मल इरेजर को यूज करके हम फोन का, भाई टेबल अपटने वाले टेक बर्नर तो कैसे दोस्त, भाई टेबल टूट जाएगी शायद। रबर चिपकाई, ग्लू गन लगा, रबर पैंट लगा के भाई जो का मिला दिया, उसके बाद हमारा रेडी हो चुका है। बर्नर श्लोक श्रीवास्तव भाई का आवाज कोई भी पहचान सकता है यार, उनका उनका आवाज ही कुछ अलग है यार। इलेवन, रिसर्च और वेल्ला पंती के बाद मेरे ध्यान आया कि अलग-अलग लोग के अलग-अलग लास्टर्स नहीं होते हैं, अलग-अलग। रुको, एक और यार, मैं फीमेल क्रिएटर को ज्यादा देखते ही नहीं, मतलब मैं देखता ही नहीं यार, इसलिए कोई आईडिया नहीं। तो लास्टर्स एक इंसान के लिए हो सकते हैं, डिपेंड करता कौन है। प्राजक्ता कोहली, सच में सच बता रहा हूं मैं देखता नहीं ज्यादा फीमेल क्रिएटर। Variant 4 gigabytes of RAM and 6 gigabytes. They have sent us the 6 gigabyte of variant. The 4 gigabyte RAM. Oh, bhai, ek kon hai yaar? Aur ye bhi mujhe nahi pata. 64 GB of storage and the 6 comes with 128. Ranjit Kumar ek kon? ठीक है. 3 चुक. पहले जिम में था. And बस मेरा वर्कआउट चल रहा था जिम में. वहीं पर ड्वेन जॉनसन रॉक का गाना। ओहो, तो क्या चल रहा है गाइस, इस महेश केश वाला एके एथकेश, एथकेश भाई है अपने। सुन के मैं फुल मोटिवेट हो गया, मैं एकदम भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई। महेश भाई ओपी भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी हम बात कर रहे हैं विराज भाई और फारूक, बोल रहे थे कोशिश करना कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे मुंबई आ जाना, मतलब कोशिश तो उससे पहले आने। नहीं यार ये भी नहीं आ रहा मुझे, ये भी बहुत डिफरेंट डिफिकल्ट है। अब देखते कैसा क्या होता है। कौन है मुंबई करने खेल, नहीं मैं इनकी वीडियो भी नहीं देखता सॉरी। तो जब मैंने Q&A की अनाउंसमेंट की थी तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 1 या 2 हज़ार क्वेश्चन आएंगे एंड मैं कुछ सेलेक्ट करके आंसर दे दूंगा, बट जब मैंने क्वेश्चन देखे ओ थम, ए वॉइस जाने पहचान है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किसकी वॉइस है यार, ए किसकी वॉइस है यार, गेस तो कर नहीं सक, किसको गेस कर ला, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर से सुनता हूँ थोड़ा सा। तो जब मैंने Q&A की अनाउंसमेंट की थी तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 1 या 2 हज़ार क्वेश्चन आएंगे एंड मैं कुछ सेलेक्ट करके आंसर दे दूंगा, बट जब मैंने क्वेश्चन देखे मुझे लगता है टेक्नो गेमर्स है उजुल भाई अपने, लगता है थोड़ा सा ठीक है। हर्ष बेनीवाल भाई,
हर्ष भाई यार, हर्ष भाई का आवाज पहचान नहीं पाया मैं यार। नहीं, अभी कैंपस देख रहा था, उसमें ज्यादा वो सुधीर का आवाज घूम रहा है ना, इसलिए हर्ष भाई का आवाज भूल गया मैं। ठीक है, मैं कितने चूक गई है, सॉरी मेरे कितने चूक गए, एडिट करते समय देख लूंगा। बस इतना ही सुनना था मुझे। ए अपने उज्जवल भाई, एक टेक्नो गेमर, ठीक है, इनको कौन नहीं पहचानता यार। आज हम लोग दोबारा से एक न्यू हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं और इस गेम का नाम है स्कैट। भाई आप भी बताना मुझे हॉरर गेम खेलने में कमेंट में, मैं खेलूंगा नहीं लेकिन मेरी बहुत पड़ती है, इसलिए मैं ज्यादा हॉरर फिल्म नहीं देखता, गेम तो बहुत दूर की बात है, पर आप बोलोगे तो खेल लूंगा। ठीक है, अपने टेक्नो गेमर ने, वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद आने नहीं देते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना। ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है मेरे ख्याल से, इनका नाम सोनू कुछ तो है ऐसा लग रहा है मुझे, मैंने बहुत आज पहले से सुना, कोशिश करने सुना वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं, करता रहे तू इंतजार। विवेक बिंद्रा, सॉरी फिर से एक मिस्टेक, लास्ट टोटल गेमिंग अज्जू भाई। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे कितने सही आए आपको पता ही होगा, आपको कितने गलत आए आप नीचे कमेंट में बता देना, और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।